हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी स्नेहा माँ की किचन में बनने वाली एक कप कच्ची मूंग दाल से बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। वैसे तो इस रेसिपी को हमेशा मूंग दाल भिगो के बनाया जाता है, बट आज हम बिना मूंग दाल भिगोए इस रेसिपी को बनाने वाले हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इतनी स्वादिष्ट बनने वाली है कि हलवाइयों को भी ये फेल करने वाली है। और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम समय में बनेगी। तो चलिए, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं हम ये क्या रेसिपी बना रहे हैं। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिए एक कप धुली हुई मूंग दाल। तो दाल को हमें पहले ही अच्छे से साफ कर लेना है, जिससे कि इसमें कोई भी कंकड़ पत्थर या मिट्टी हो तो वो बिल्कुल भी ना रहे। फिर एक कॉटन के कपड़े से अच्छे से हमें दाल को साफ कर लेना। तो यहाँ पे दाल को मैंने पहले ही अच्छे से साफ कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। वो गैस पे रखें एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच देसी घी। तो यहाँ पे एक छोटी चम्मच मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और दाल को डालने के बाद इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे दाल को। गैस का फ्लेम रखेंगे बिल्कुल लो पे और लो फ्लेम पे ही हमें दाल को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हमें दाल का जो कलर है वो चेंज नहीं करना है, बस इसमें से हल्की सी खुशबू सी आने लगे भीनी भीनी सी, और जो दाल हमारी हल्की सी क्रिस्पी होने लगे उतना ही हमें दाल को भूनना है। याद रखिए दोस्तों, बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होना चाहिए दाल का। तो 2 मिनट में ये हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी थी दाल में से। अब दाल को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पर और दाल को हम कर लेंगे अच्छे से ठंडा। जब दाल हमारी अच्छे से ठंडी हो जाएगी, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे दाल जो बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी थी, अब ले लेंगे एक मिक्सी जार और सारी दाल को हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। और एक बात और दोस्तों, कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं? अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच किया करें, बिल्कुल स्किप ना किया करें। और अगर आपको वीडियोस में कुछ कमी लगती है तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जार की लिड लगा देंगे और इसको एकदम बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो 2 मिनट में ये पाउडर बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि दाल बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, एकदम बारीक पाउडर इसका बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको हाथ पे भी लेके दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया हमारा ये दाल का पाउडर बन के तैयार हो चुका है। इस तरीके से एकदम बेसन की तरह ये बन के तैयार हो जाता है और बिल्कुल भी समय नहीं लगता दाल को पीसने में। यहाँ पे बढ़िया सी दाल हमारी पिस चुकी है और यहाँ पे एक प्रीमिस की तरह ही तैयार हो चुका है। अगर आप इसको बना के रखना चाहते हैं तो आप इसको एयरटाइट कंटेनर में रख भी सकते हैं। और जब भी आपको मूंग दाल हलवा बनाना हो या फिर मूंग दाल की कोई और रेसिपी बनानी हो तो आप इससे बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया से ये प्रीमिक्स हमारा रेडी हो चुका है। अब चलते हैं गैस की तरफ और रखेंगे फिर से कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं मूंग दाल हलवा, तो हलवे में हमेशा देसी घी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे घी डालने का, फिर जो हमने प्रीमिक्स बनाया था दाल पीस के, वो प्रीमिक्स हम डाल देंगे कढ़ाई में। और गैस का फ्लेम रखेंगे बिल्कुल लो पे और लो फ्लेम पे ही हम इस तरीके से इसको भूनेंगे, क्योंकि दाल को हम पहले ही भून चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लगने वाला है हमारा हलवा बनने में, बस इसी तरीके से 2 से 3 सेकंड हम भूनेंगे। उसके बाद हम फिर से 2 चम्मच घी डाल देंगे। तो दोस्तों, जब भी आप किसी भी चीज़ का हलवा बनाएं तो एक साथ घी ना डालें, घी को हम इसी तरीके से बीच बीच में रुक रुक के डालेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा एकदम दानेदार रसीला हलवा हमारा बनके तैयार होगा। तो घी डालने का फिर से अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, चलाते रहेंगे लगातार, बिल्कुल भी हमें रोकना नहीं है, जिससे कि जो हमारी दाल का जो पाउडर है वो नीचे लग ना जाए। और बस यहाँ पे इसी तरीके से चलाते रहेंगे। फिर से थोड़ी देर बाद हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे, फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हलवा बनाने के लिए मेन टिप्स यही है कि जब भी आप हलवा बनाएं तो गैस का फ्लेम आप बिल्कुल लो पे रखें, और जो घी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो रुक रुक के डालें, एक साथ सारा ना डालें। तो यहाँ पे अभी इतना घी बाकी भी, और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से घी रिलीज भी हो चुका है। अगर आप ये प्रोसेस हाई फ्लेम पे करेंगे तो इस तरीके से घी रिलीज नहीं होगा हलवे में और हलवा अच्छा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 कप शक्कर। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार जितना भी आपको मीठा लेना आप उस हिसाब से शक्कर डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। और शक्कर डालने का फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर और फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हमने 1 कप दाल ली थी तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम डाल देंगे 3 कप पानी, और पानी डालने का फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे ही रखेंगे इस टाइम पे भी, और इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने का हम कर देंगे इसको कवर 2 सेकंड के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। और 2 सेकंड बाद हम लिड हटा के देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पानी जो ऑलमोस्ट सोक हो चुका है, और यहाँ पे अच्छे से फिर से हम कर लेंगे मिक्स इस तरीके से। और फिर से हम हलवे में डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी, जिससे कि जो हलवा बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपकेगा और बहुत ही बढ़िया हमारा हलवा बनके तैयार होगा। और घी डालने का फिर से एक बार चला लेंगे, और यहाँ पे देखिए हलवे ने बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बढ़िया सा जो हमारा हलवा बनके तैयार हो चुका है। देखिए कितना रसीला हलवा देखने में लग रहा है, और कितने बढ़िया से हलवे ने कढ़ाई भी छोड़ दी है। तो बस यहाँ पे हमारा परफेक्ट रसीला हलवा जो है बनके तैयार हो चुका है। तो इस टाइम पे हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद,
क्योंकि ठंडा होने का हलवा और ज्यादा टाइट हो जाएगा। तो चलिए अब हम कर लेते हैं हलवे को सर्व इस तरीके से। और जब सर्व करें आप, उसके बाद पेसे ऊपर से आधी चम्मच देसी घी डाल दें, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों यहाँ पे हमने एक कटोरी देसी घी लिया था, देखिए पूरा देसी घी हमारा इस्तेमाल नहीं हुआ, इसमें से भी काफी बच गया है। तो देखिए कम देसी घी में हमारा कितना परफेक्ट रसीला हलवा बनके तैयार हुआ है। तो लग रहा है ना दोस्तों एकदम हलवाइयों से भी अच्छा और एकदम सिंपल मेथड से हलवा हमारा बनके तैयार हो। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों मुंह में घुल जाने वाला हलवा बनके तैयार होता है। जब भी आपके घर में कोई पूजा हो या फिर आपका मीठा खाने का मन करे, और वैसे भी अब तो त्यौहार आने वाले हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, तो उस पे आप इस हलवे को झटपट बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना दाल को भिगोए, बिना घंटों मेहनत, मिनटों में यह हलवा हमारा बनके तैयार होने वाला है। और दोस्तों जब भी हम मूंग दाल हलवा दाल भिगो के बनाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, बट इस तरीके से अगर आप बनाते हैं ना ही मेहनत लगने वाली और ना ही बहुत ज़्यादा समय। तो दोस्तों अगर आपको आज की मूंग दाल रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स से भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको सत का न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।